स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अकेले लड़ने की अटकलें शांत हो गई दिखती है। खबर है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल किया जाएगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि सपा, बसपा, कांग्रेस और अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग बन गया है। यह पारंपरिक फॉर्मूला है जिसके मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टियों को उनकी जीती और दूसरे स्थान पर रही सीटें दी जाएंगी। इस लिहाज से कांग्रेस का दावा 8 सीटों का बनता है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में रायबरेली और अमेठी सीट जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। उससे पहले 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी। हालांकि कांग्रेस के कई नेता 8 सीटों के प्रस्ताव को अपमानजनक मान रहे हैं, पर जानकार सूत्रों का कहना है कि अंत में उसे यह फार्मूला स्वीकार करना होगा। इसी फार्मूले के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल को 3 सीटें मिल सकती हैं। तीनों सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगी। इस फार्मूले के मुताबिक सपा को 36 और बसपा को 34 सीटें मिलेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में सपा ने 5 सीटें जीती थी और 31 पर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि बसपा 34 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। जैसी की खबर है, अखिलेश यादव ने कहा है कि वे बसपा को बड़ी पार्टी मानने को तैयार, तो संभव है कि वे अपने कोटे से 1-2 सीटें बसपा को दे दें। राष्ट्रीय लोक दल के नेता अजीत सिंह को लेकर सस्पेंस कायम। खबर है कि वे सपा, बसपा और कांग्रेस महागठबंधन के साथ साथ भाजपा से भी बात कर रहे हैं। अगर महागठबंधन में 2 या 3 सीटें देने की बात होती है तो भाजपा की ओर से दिए जाने वाले प्रस्ताव पर भी विचार कर सकते हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा उनको 5 सीट का प्रस्ताव दे सकती है। ध्यान रहे, अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल का सबसे अच्छा प्रदर्शन भाजपा के साथ तालमेल में ही रहा है। रालोद ने 2009 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था और उसके 5 सांसद जीते थे। 2014 में वे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े और सारी सीटें हार गए। खुद अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी चुनाव नहीं जीत सके। असल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण ऐसा है जिसमें भाजपा के साथ उनके तालमेल से जीतने का समीकरण बन जाता है। जाट और दूसरा हिंदू वोट उनके पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं। दूसरी ओर सेकुलर गठबंधन में उनका जाट वोट भी प्रभावित होता है। हालांकि इस बार महागठबंधन में जाट और जाटों के साथ वोट करने की संभावना है, इसलिए अजीत सिंह भी दुविधा में। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती लंबे अरसे के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि करीब 15 साल के बाद मायावती लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने आखिरी बार 2004 का चुनाव अकबरपुर से लड़ा था। अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से उनकी पार्टी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रही है। अगर सचमुच चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा बनती है और किसी छोटी पार्टी के नेता के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पैदा होती है तो उस समय पहली जरूरत होगी कि वह नेता सांसद हो। अगर लोकसभा चुनाव जीता हुआ हो तो और भी अच्छा है। तभी कहा जा रहा है कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। मायावती पहले बिजनौर, हरौरा, अकबरपुर और हरिद्वार से चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार भी कहा जा रहा है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लड़ेंगी। ध्यान रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का मजबूत आधार। मायावती ने आखिरी बार 2004 में अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ा था और करीब 44% वोट लेकर वे जीती थी। परिसीमन के बाद इस सीट का नाम अम्बेडकर नगर हो गया। यह सामान्य सीट है और यह उनकी पहली पसंद बताई जा रही है। दूसरी पसंद नगीना सीट है, जहाँ पिछले चुनाव में बसपा 3रे स्थान पर रही थी। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में, जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर। सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक दंगे करा सकती है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि रक्षा मंत्री को यह जानकारी अपने गृह मंत्री को देनी चाहिए। अब सवाल है कि कौन दंगे कराना चाहता है, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करा रहा है और दंगों की राजनीति से किसको फायदा होता रहा है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा भी कुछ ताकतें हैं, कुछ संगठन हैं और कुछ व्यक्ति हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति कराना चाहते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि आखिर कैसे विकास और बदलाव की राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति पर पहुंच गई है। कांग्रेस के पास कुछ कमाल के नेता हैं जो किसी भी समय अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही एक नेता शशि थरूर ने कहा कि नरेंद्र मोदी दोबारा जीते तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी उनका समर्थन किया है। भाजपा जम्मू कश्मीर से लेकर 3 तलाक, निकाह हलाला, बहुविवाह, राम मंदिर आदि के मामलों के जरिए अपने प्रयास में लगी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड देश भर में शरिया अदालतें बनाने में लगा है तो हामिद अंसारी ये साबित करने में लगे हैं कि भारत में मुस्लिम अच्छी स्थिति में नहीं है। इन सब के मिले जुले प्रयासों से देश ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है।
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने और एक के बाद एक राज्यों में भाजपा की जीत के बाद मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। वे या तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे या चुप रहते थे। उनको पता था कि उनका बयान या कोई भी कदम अंततः भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में खूब सारे मंदिरों और मठों में गए। उनकी छवि बदलने का प्रयास हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम परस्त पार्टी होने की छवि बदलने के लिए खूब प्रयास किए। चार साल में इस प्रयास का असर दिखना शुरू होता उससे पहले ही कांग्रेस फिर उसी जगह आकर खड़ी हो गई है। राहुल गांधी मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले और उसके बाद एक उर्दू अखबार में खबर छप गई कि राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने प्रचार का मुद्दा बना दिया। शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी के जीतने पर भारत के हिंदू पाकिस्तान बन जाने का जो बयान दिया उससे भी कांग्रेस पर ये आरोप चस्पा हो गया कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी है। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और उसके नेता वही काम कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है। मुस्लिम संगठनों और नेताओं की सक्रियता अलग हैरान करने वाली है। सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरे देश में शरिया अदालत बनाने की बात कर रहा है। पांच जगह दारुल कजा बनने की बात हुई है। हैदराबाद की सांसद और MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को हैदराबाद से आकर चुनाव लड़ने की चुनौती दी तो दूसरी ओर अमित शाह जब हैदराबाद के दौरे पर गए तो ओवैसी की पार्टी ने ये झूठी खबर फैला दी कि शाह ने कहा है कि चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। एक दूसरी महान विभूति हामिद अंसारी हैं जो 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे और पता नहीं अब किस राजनीतिक मकसद से मुस्लिम मुद्दों को लेकर बयानबाजी करने लगे हैं। रिटायर होने के एक साल बाद अचानक उनको ध्यान आया कि उनकी विदाई के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था वो परंपरा के मुताबिक ही नहीं था। देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर 10 साल तक रहा व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है कि देश के मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है और उनके साथ भेदभाव होता है। अब इसे क्या कहा जा सकता है? इन सबको मतभ्रम हो गया है या किसी बड़े मकसद से ये सारे बयान दिए जा रहे हैं? चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या हामिद अंसारी हो, शशि थरूर हो या सीताराम येचुरी, इन सब के बयानों से देश की राजनीति में अचानक सांप्रदायिकता का तत्व खुल गया है। इन सब की बयानबाजी अपने आप देश को ध्रुवीकरण की ओर ले जा रही है। भाजपा को अपनी ओर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाजपा खुद कुछ कर भी नहीं रही है। इस किस्म के सारे मुद्दे उसने अदालत के हवाले छोड़े हैं। तीन तलाक का फैसला अदालत ने किया, निकाला हलाला और बहुविवाह का मुद्दा भी अदालत में है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A हटाने का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में है और राम मंदिर के मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत ही विचार कर रही है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा को जिन मुद्दों से राजनीतिक फायदा होना है वो या तो अदालत में है या खुद विरोधी पार्टियों के नेता उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं। भाजपा को बैठे बिठाए इसका फायदा मिल सकता है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।